दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज की टॉपिक, आज कुछ कबूतर के बारे में टॉपिक नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। आज टॉपिक रहेंगी मेरे लॉफ्ट की। मेरे लॉफ्ट का नाम है SDS। SDS क्या है, SDS के माने, SDS की मीनिंग क्या है, मैं इंशाल्लाह आगे चल के सब बताऊंगा। तो दोस्तों ये लॉफ्ट बनाने, लॉफ्ट का रिव्यू यानी इसका शौक कराने का मतलब क्या है, हमारे हैदराबाद से अब्दुल्ला भाई, सैयद अब्दुल्ला भाई ने जो है हमको कॉल किया कि भाई मैं लॉफ्ट बनाना चाह रहा हूँ, कैसा बनाना भाई, कुछ मशवरा दीजिए। बोले तो बोलो भाई मशवरा नहीं, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ आपको, वो वीडियो देखिए, आगे जाके आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। क्योंकि देखो भाई कभी भी रहें दो, हम जब लॉफ्ट बनाते कुछ काम करते हम, तो पहले एक बार एक से दो तीन जगह देख लिए तो अपने को एक आइडिया आता भाई लॉफ्ट कैसा बनाना, जाली कैसा लगाना और क्या क्या रहना उसको, ये सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बोलने का मकसद क्या है मेरा, आपको जो भी डाउट है दोस्तों कमेंट करना या व्हाट्सएप का नंबर मैं स्क्रीन पर दूंगा इंशाल्लाह। आपका जो भी प्रॉब्लम है कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाओ, बोलो इंशाल्लाह मैं बराबर बनाऊंगा और हर कॉल अटेंड होगा, हर मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा, कौन सा कॉल मैसेज जाए नहीं होगा इंशाल्लाह। कुछ अपने जो है क्या बोलते काम के थोड़ा बिजी रहने से आगे पीछे हो सकता, लेकिन हर चीज किसी का भी जो है जाए नहीं होगा, मैसेज या कॉल सबका रिसीव करेंगे, आगे पीछे होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं जो है आपको मेरा लॉफ्ट मैं कैसा बनाया क्या है, आप लोग भी देखिए और कमेंट करना जरूर। दोस्तों मालूम है ना मेरे चैनल पे जो भी है नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो आइए मेरे साथ आप लोग। तो दोस्तों ये मेरा लॉफ्ट है, ये लॉफ्ट कभी भी अपन जब बनाते ना दोस्तों, तो पहली चीज एक जहन में रखना चाहिए कि वेल्यूएशन ज्यादा रहे। देखिए आप ऊपर एक खिड़की है, दो खिड़की है, एग्जॉस्ट फैन है, ये दरवाजा बड़ा है ताकि कुछ भी चीज अपन अंदर और बाहर ला और ले जा सके। आइए बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों आज आप लोगों को मेरे लॉफ्ट का शौक कराता हूँ। दोस्तों ये लॉफ्ट मैं कैसा बनाया आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मेरी मेहनत, खून पसीना एक होके जो है दोस्तों ये बहुत बड़ा, बहुत टाइम लगा इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों लॉफ्ट अपना अपना लॉफ्ट बनाने से पहले एक चीज जहन में रखिएगा आप लोग, क्योंकि दोस्तों लॉफ्ट बनाने में छह चीज का जो है आप, छह चीज की बहुत क्या बोलते, छह चीज की आप एहतियाती कीजिए, छह चीज की एहतियाती। पहली चीज क्या है दोस्तों, कभी भी आप जब लॉफ्ट बनाते ना, हवा, हवा का डायरेक्शन देखिए, अब हवा किधर से आना ये सबसे मेन बात है दोस्तों। कई हमारे भाइयों को नहीं मालूम किधर की बना लेते हवा नहीं आती, बाद में बहुत परेशानी होती लॉफ्ट में। हवा इधर से आए और इधर निकल जाए, इनपुट और आउटपुट, सुने दोस्तों इस चीज का ख्याल रखें दोस्तों। पहली चीज हवा का, हवा लॉफ्ट में आए फिर लॉफ्ट में से निकल जाए हवा, ये पहली चीज है दोस्तों। दूसरी चीज एलिवेशन जो रहता ना दोस्तों, जैसे मैं अभी आपको शौक कराता हूँ पूरा, एलिवेशन जो खिड़कियां रहते ना दोस्तों तकरीबन ज्यादा रहना चाहिए, उसको हवा आना चाहिए कि बंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंदर बहुत परेशानी आते, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है दोस्तों, इसके अंदर, इसके अंदर मेन धूप आना चाहिए दोस्तों। धूप का काम क्या है मालूम दोस्तों आप लोगों को, जैसा जैसे कि मिसाल के तौर पे अपन मोबाइल को जो चार्जिंग लगाते ना, ये कबूतर को भी धूप वैसी चार्जिंग करती दोस्तों। तो जरूरी है कि आप धूप अपने कबूतरों के ऊपर गिरे, ऐसा आप बनाइए एलिवेशन लगा के, दरवाजा लगा के, सुबह की धूप, शाम की नहीं, दोपहर की नहीं, बिल्कुल सिर्फ सुबह की धूप अपने कबूतरों पर डायरेक्ट गिरना चाहिए। तीसरी बात हो गई दोस्तों। चौथी बात, अपन जितने भी एलिवेशन लगा रहे दोस्तों उसको जाली लगाइए, जैसे कि मैं लगाया आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो बारीक जो मच्छर की जाली रहती दोस्तों, क्योंकि मच्छर अंदर आए
कबूतर को काटे, उसके ऊपर से निकल के फिर दूसरे बच्चे को काटे, फिर वहां से पॉक्स वायरल फीवर, वहां से बीमारियां, पॉक्स का एक घर बन जाता, फिर पूरा वायरल हो जाता। ये चीज का ख्याल रखे दोस्तों, खास करके चौथा ख्याल। पांचवा ख्याल दोस्तों, एक नल रखिए उसके लिए अपने लॉफ्ट में, के पानी आसानी से अपने को डाल सके, निकाल सके। छठवां, एक चबूतरा बनाइए उसको, जैसे चबूतरा बोलते हैं अपन या नहीं बोलते, एक रैक के टाइप में आप बनाइए उसको। हैंड फीडिंग या कुछ भी ट्रीटमेंट करना है दोस्तों, या फीड मिक्स करना है, ऐसा कौन सी भी चीज के लिए ये पांच छह चीज का जो है आप लोग एहतियाती कीजिए, इंशाल्लाह आगे जाके आपको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों आइए मैं आपको मेरा मुख्तसर लॉफ्ट उसका आपको जो है शौक खराब हो। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा लॉफ्ट है एसडीएस। तो दोस्तों एसडीएस के माने हैं सैयद शाकिर है, एसडी के माने सैयद है, एस के माने शाकिर है। पिजन लॉफ्ट बोले तो आपको कबूतर का लॉफ्ट है। मैं तेलंगाना, मेरा मुकाम है शहर है वारंगल में मैं रहता हूँ। तो दोस्तों इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, देखिए ये केज है, एक केज मेरे हिसाब से बनाया दोस्तों मैं। असल एक केज के बारे में पहले मैं थोड़ा आपको इसके बारे में जो है इसके मालूमात दूंगा। मैं एक दफ़ा केरला गया था दोस्तों, एक पाँच साल छः साल पहले। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ब्रीडर है, फैंसी पिजियंस का ब्रीडर, उसके पास ऐसा मैं एक लॉफ्ट देखा। इतना यकीन मानना दोस्तों, वो लॉफ्ट देखे जब से बनाए तक मेरे जहन में बैठा हुआ है कि मैं ऐसा लॉफ्ट कब बनाना। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं सेम कॉपी टू कॉपी ऐसा लॉफ्ट बनाया दोस्तों। और बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि ऐसा लॉफ्ट मैं तो तेलंगाना में किसी के पास नहीं देखा दोस्तों। ये मेरी बात नहीं है, तकरीबन मेरे दोस्त अहबाब बोल चुके हैं। तो दोस्तों इसका जो लेंथ है ना दोस्तों, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.75 फीट इसका विड्थ है, और इसका लॉन्ग यहाँ से लेके नीचे से लेके यहाँ तक 2 फीट है, यहाँ से लेके वो कोने तक 2.5 फीट है। तो दोस्तों ये हंगेरियन के लिए, हर कबूतर बड़ा कबूतर पालने का मेरे को पहले से शौक़ है, इसीलिए मैं बड़े बड़े केज है मेरे पास तकरीबन पूरे वही साइज़ के हैं। और थोड़ा वो लास्ट वाले जो 3 दीवार थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से मैं इसको जो है दोस्तों थोड़ा क्रॉसिंग में एडजस्टमेंट करा मैं। तो दोस्तों ये रहा, देखिए मेरा लॉफ्ट है दोस्तों ये, और ये रहे मेरे एलिवेशन के खिड़कियाँ, एक खिड़की, दो खिड़की, 3, 4। और दोस्तों और एक एक बात बोलना भूल गया मैं आप लोगों को, जो एडजस्ट फैन है ना दोस्तों, ये एडजस्ट फैन हर लॉफ्ट में लगाइए, क्योंकि जो अंदर गंदगी है वो एक ख़त्म हो जाती एक चीज़। और दूसरी चीज़ भी भूल गया दोस्तों मैं, एक चीज़ एडजस्ट फैन की है और दूसरी चीज़ है आप लॉफ्ट में किसी तरीके से भी हवा उसके अंदर, सॉरी हवा बोल रहा हूँ मैं, पानी नहीं आना चाहिए दोस्तों। पानी जैसा भी अपने लॉफ्ट में गिरता वहाँ से अंदर गैस बनना शुरू होती दोस्तों, बीमारियों का घर बन जाता। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे एक, इधर मेरी फीड है, इधर पूरा मैं हैंड फीडिंग के लिए बना चुका हूँ। तो दोस्तों ये वाश बेसिन है, ये नल है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा छोटा एक मेडिकल बोल सकते हैं आप, इसमें पूरा मेडिसिन रखता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए ये एक नल है, यहाँ से मैं जो कनेक्शन लगाया दोस्तों ऊपर, ये देखें आप, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है दोस्तों। और मैं इसके बारे में आपको अलग वीडियो बनाता हूँ दोस्तों मैं, वाटर ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम के लिए, आपको जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जरूर, क्योंकि वाटर सिस्टम में भी दोस्तों 2-3 किस्म के ड्रिंकर्स है, वो कौन सा ड्रिंकर लगाए तो फ़ायदा है, क्योंकि हमारे तजुर्बे में देखे 1 से 2-3 लगा के फ़ायदेमंद कौन सी चीज़ है दोस्तों, मैं ये चीज़ जो है एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दूसरा और एक बात क्या है दोस्तों, आने वाले वीडियो में ये जो है देखे ना दोस्तों, 2 होल का फीडर है, ये फीडर में भी 2 होल के 3 होल के है, अभी अभी अपडेट हो के नए नए मॉडल में है। तो ये कौन सा हमारे को कौन सा यूज़ करे तो ये हमारे से हमारे को कौन सा यूज़ करे तो अच्छा रहता है। और दोस्तों कभी भी ये जब लेते अपन फीडर, ये डालने में दाना और क्लीन करने में आसानी हो, इसके बारे में भी मैं अगले जो है वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखे ना दोस्तों, और एक बात
बहुत खास बात बोलने भूल गया मैं आपको। तो दोस्तों ये जो लॉफ्ट देख रहे हैं आप, जो 18 लॉफ्ट है, पूरे 18 केजेस है एक लॉफ्ट में। तो दोस्तों ये मेरे को अप्रोक्सीमेटली एक 36,000 इसका मेंटेनेंस आया। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैं एक टू व्हीलर टेक्नीशियन हूँ। तो दोस्तों जब भी मैं जो चीज़ देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसको समझ के दिमाग में बिठाने की सलाह दिया मुझे अल्लाह ताला ने। तो दोस्तों बात क्या है बोलने की, 36,000 इसका इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी वेल्डिंग, इसका मेजरमेंट, इसका प्लान पूरा दोस्तों ये मेरा है। ये मैं अकेला, मेरा भांजा है एक, वो दोनों मिलके, बच्चा सपोर्ट रहता दोस्तों। तो सुबह में 2 घंटे संडे के लिए, एक पूरा संडे मिलके जो है 3 से 4 महीने लगे दोस्तों इसको बनाने के लिए। तो कब बनना बोल दो। और एक बात क्या है दोस्तों इसके अंदर, जब भी हम एक चीज, मिसाल के तौर पे अब मेरे को कबूतर का शौक है, बहुत शौक है कबूतर का, तो उसके बारे में उसकी जाली बनाना, उसके लिए उसका घर बनाना, बनाते गए सर का दोस्तों इंटरेस्ट आता। किसी को कुत्ता रहता, किसी को बिल्ली रहता, किसी को मुर्गी का शौक रहता, जो भी शौकीन है उसको उसका घर बनाने में दोस्तों बहुत मजा आता। तब तक मजा आता कि जब तक उसका घर ना बने। तो ये रहा दोस्तों मुख्तसर वीडियो, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखे ना दोस्तों, ये रहा मेरा SDS लॉफ्ट। तो दोस्तों मालूम है ना आपको क्या करना है, ऐसे और अच्छे अच्छे मैं आपको वीडियोस बनाना बोल दो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें दोस्तों। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मुलाकात करूंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।